नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्व अकेडमी में। दोस्तों विश्व अकेडमी एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड होने वाले हैं। पहला और इम्पोर्टेंट कोर्स है इसका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, उसके बारे में डिटेल से बताया है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको एक प्राइवेट कंपनी से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक का एक इंटरव्यू सेशन और इंग्लिश कंप्यूटर और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ये हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों इसी के साथ एक हमारी वेबसाइट है vishwaacademy.com, वहाँ पे जाके भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे PDF बुक्स, कोर्सेज, टेस्ट पेपर, आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको vishwaacademy.com पर मिलने वाली हैं, और विश्वा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी आप इससे यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टडी। स्टडी का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हम तैयारी कैसे करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, किस तरह से हमें अपनी स्टडी को अभ्यासरत बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक ही एग्जाम्पल है कि जो कुछ बच्चे सीरियस पढ़ाई करते हैं वो एक साल दो साल मेहनत करते हैं, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेंटर। देखिए कोचिंग में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कराते हैं, यानी एक बार हम ब्रीफ नॉलेज उसके बारे में देते हैं। जो सी चीज़ आपसे नहीं आती वो टीचर से पूछेंगे आप, और जो आपसे आती है वो आप खुद ही रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब है कोचिंग एक माध्यम है सब्जेक्ट को जानने का, लेकिन आपकी मेहनत जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे घर पे आके 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का जो रिवीजन करेंगे वो है आपका अपना मेहनत। तो दोस्तों ये दोनों मेहनत मिलाने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें तीन चीज़ें होती हैं, पहला आपको सब्जेक्ट को मनन करना है, पढ़ना है, दूसरा उसकी राइटिंग करनी है, तीसरा होता है उसको लर्न रिवाइज करना है। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर पाओगे। आलसी लोग कभी भी, जो आलस करते हैं स्टडी में, जिनका रहता है जिन लोगों को कि अरे भाई आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे बुक ले आए, नई से नई बुक परचेज कर लाते लेकिन उसको कभी पढ़ते नहीं है, तो ऐसे लोग क्या होंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सिर्फ बुकों का भंडार लगा लेंगे कि बुक इकट्ठी है बस कर रहे हैं स्टडी। एक साल दो साल तीन साल ऐसे गुजर जाते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब की तरफ दौड़ते हैं। तो दोस्तों उससे भी कोई फ़ायदा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो, प्रॉपर अगर आप स्टडी को दे रहे हैं तो आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे, मेरा मानना ये है कि अगर आप 4-4 घंटे का एक ट्रिप लेके पढ़ेंगे तो 12 घंटे आप आराम से सेल्फ स्टडी में वेस्ट अपना खर्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो 4 घंटे किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म से किसी भी एक टीचर के द्वारा आप अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो चीज़ आपसे नहीं आ रही वो वहाँ से सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, तो गुरु तो बेहद ज़रूरी है, चाहे वो आप YouTube से लो, चाहे वो आप किसी कोचिंग सेंटर से लो, चाहे आप प्राइवेटली किसी से ट्यूशन ले रहे हो, या आप किसी से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको एक टीचर्स की तो आवश्यकता पड़ती है जो आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों स्टडी का जो टॉपिक था हमारा यही है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि SSC ग्रुप डी रेलवे जैसे एग्जामों में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन 30,000, 20,000, 25,000 ही सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग मेहनत नहीं करते, वो 30,000 ही मेहनत करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पहुँच, किस लेवल की मेहनत करें वो भी देखा जाता है। कंपटीशन का है दौर, तो कंपटीशन ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते, तो दोस्तों मेहनत तो करनी है, अगर आपको तक तो ताज हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपसे निवेदन है सभी लोग स्टडी में लगे रहिए और स्टडी करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।